देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं सपना नायक आपका स्वागत करती हूँ। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। जिला अस्पताल स्थित रेडक्रॉस भवन में गर्भवती महिलाओं की जांच को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर की स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी CMHO ने बताया कि गर्भवती महिलाओं में HIV टेस्ट के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई है। आज की जो कार्यशाला है ये गर्भवती महिलाओं में HIV टेस्टिंग को लेकर है। तो जिस क्षेत्र में HIV टेस्टिंग नहीं हो रही गर्भवती महिलाओं की, उनमें जोर दिया जाएगा कि HIV टेस्टिंग वहाँ होने लगे, जिससे कि जो है गर्भवती महिला को अगर किसी को जो है HIV पॉजिटिव है तो उसका पता लग जाए। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। इनका कहना है कि पिछले दिनों खुरई में भाजपा के कार्यकर्ता जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें जबरन जेल में डाल दिया। इसी को लेकर इन कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। शिवराज शासन ने लोगों पर दमनकारी नीतियाँ अपना कर लोगों को और उनके द्वारा धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन कर रहे उनके ऊपर कार्रवाई करना कहीं ना कहीं। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद द्वारा मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के और कल शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे मंदसौर के जिला गोलीकांड के विरोध में, तो खुरई तहसील के पुलिस द्वारा उन कार्यकर्ताओं को जबरिया पकड़ करके उन्हें जेल में डाल दिया गया, जबकि वो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ आंदोलन कर रहे थे। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता और पूरा गृह युद्ध जैसी स्थितियाँ यहाँ निर्मित हो चुकी है। हमने माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन पत्र द्वारा श्री कलेक्टर महोदय द्वारा दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि मध्य प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है उसको सुधार करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए मध्य प्रदेश शिवराज सरकार को हटाया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह रघुवंशी ने अपना जन्मदिन वृद्धाश्रम में जाकर मनाया। इससे पहले भी वह अपना जन्मदिन वृद्धों के साथ और जरूरतमंदों की मदद करके मनाते आए हैं। उनका कहना है कि उन्हें ऐसा करने से बहुत खुशी होती है। आज क्या मेरा जन्मदिन था और मैं हर बार जन्मदिन वृद्धाश्रम से ही आके मनाता हूँ, उसी तारतम्य में आज पहले वृद्धों को भोजन कराया, उसके बाद अपने इष्ट मित्र और दोस्त यार भोजन पर सबको आमंत्रित किया। पिछले कुछ दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के चलते इसका असर गुना की मंडी पर भी देखने मिल रहा था, जहां मंडी भी ठप पड़ी थी, जिसे प्रशासन ने शनिवार को चालू कराया। इसमें भी खरीदी को लेकर व्यापारियों की शिकायत कुछ किसानों ने मंडी सचिव से की है। हाँ, मंडी आके अभी थोड़ी देर पहले हमने SDM साहब से बात करी थी कि मंडी चालू नहीं हुई थी, परसों बात करी थी मेरे फोन पर, तो उन्होंने कहा आपको करवा देते हैं, तो उनका कहना यह है कि मंडी चालू हो गई। बाकी आज आके हम किसानों से मिले तो किसानों का कहना यह है कि आज मंडी का टाइम 9:30 से स्टार्ट हो जाती है और 12:30 तक होती है, लेकिन एक दो ट्रैक्टरों की उनने मंडी करी, इसके बाद वो चले गए। और ये किसान कुछ हमारे बहादुर के साथ ही भी खड़े हुए हैं रघुवंशी जी, उनने बताया आके कि यहाँ आए हम लोग, इसके बाद मंडी के एक दो ट्रैक्टरों की करी है। तो यहाँ जो नहीं लग रहा कि किसानों से जो बात की गई है कि किसानों की मंडी आज खुल गई है और किसानों की डांक होगी, परंतु यहाँ कोई डांक होती नहीं। अच्छा, ये बताइए मुख्यमंत्री जो अनशन पे बैठे हुए हैं अभी, उस विषय में आपके कहना चाहते हैं? यार, बड़ा हास्यप्रद सवाल आपने मुझसे किया है कि एक प्रदेश का मुखिया खुद अनशन कर रहा है, वो किससे मांग कर रहा है, मेरे ये समझ में नहीं आ रही। वो क्या प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, वो प्रदेश के खुद मालिक हैं, उन्हें अनशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तीसरी बार अनशन कर रहा है, पहले भी उनने दो बार 11 मई को उनने पिछले साल किया था, उससे पहले एक बार और किया था। ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको शांत करने का और दबाने का एक प्रयास है उनका, और ये उनका मेरे को नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक क्लियर होगा, क्योंकि किसानों की जो डिमांड है
मुख्यमंत्री को अनशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, किसानों की समस्या दूर करो, किसान ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे। और अभी हम कुछ व्यापारियों से भी बात करने जा रहे हैं कि आपने जो हड़ताल करी थी जो आप वापस ले रही है, तो उसमें आपने प्रशासन से क्या आपको निर्देश मिले हैं, किस हिसाब से आप लोग पैसा पेमेंट करोगे, RTGS के माध्यम से, NEFT के माध्यम से, जैसा कि 50% नकद देने की बात की गई है, तो 50% नकद हमारे किसानों को मिल पा रहा है? अच्छा, मंडी के मामले में आप किसान सभा क्या आगे कदम उठाएगी? मंडी के मामले में अखिल भारतीय किसान सभा का जो सोच है आज हम देखने यही आए थे कि पहले हमने SDM साहब से बात करी कि मंडी चालू हो गई है, यहाँ आके देखा तो मंडी में कोई चालू नहीं हुई है और किसान हमारे आज भी परेशान हो रहा है। हम सारे मंडी के और आसपास के गाँव के लोगों को इसके लिए हम बातचीत करेंगे कि अगर मंडी नहीं हो रही है तो उसके लिए फिर हड़ताल ही हमारा रास्ता हो, और कोई रास्ता नहीं बनता। मान लीजिए योगेंद्र शर्मा नाम है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रदेश अध्यक्ष। प्री मानसून की बारिश ने ही व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है, जबकि असल मानसून तो अभी आना बाकी है। ऐसा ही एक नज़ारा रेलवे द्वारा बनाए गए अंडर ब्रिजों में देखने को मिल रहा है, जिनका ठीक से रास्ता नहीं होने से इसमें पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों में खेल प्रतिभा का विकास करने और खेलों के बढ़ावा देने के लिए युवा खिलाड़ी किट्टू तिवारी लंबे समय से 16 वर्ष तक के बच्चों को खेल खिलाकर संजय स्टेडियम में एक अच्छे खिलाड़ियों के गुणों का निर्माण कर रहे हैं। इसी क्रम में अब वह इन खिलाड़ियों के एक क्रिकेट मैच का आयोजन करने जा रहे हैं। एक मैत्रीपूर्ण सीरीज़ है जो कि परंपरागत रूप से 16 साल से गुना और शुपरी के मध्य चल रही है। अभी हम शुपरी गए थे, जो 3 मैचों की सीरीज़ खेली थी, वहाँ से हम हार के आए थे। 2 मैच हार गए थे, 1 मैच जीते थे, बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा था। और शेरा भाई जो कि काफ़ी अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेटर के साथ साथ एक बहुत अच्छे कोच हैं, आज वो गुना में शुपरी टीम लेके आए हैं, तो हम उनका अभिनंदन करते हैं। और दोनों टीमों से मैं अपेक्षा करूँगा कि दोनों ही टीमें डिसिप्लिन में खेलें, अनुशासन में खेलें और एक अच्छे क्रिकेटर होने का परिचय दें। धन्यवाद। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे किसान आंदोलन और किसानों की मांग को लेकर अब कांग्रेस का समर्थन भी मिलने लगा है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर मंदसौर की घटना के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में शनिवार को बापू पार्क में गांधी जी की प्रतिमा को ज्ञापन सौंप कर शिवराज सिंह को इस्तीफा देने की सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के राज में मंदसौर के अंदर 6 किसानों की उनके पुलिस प्रशासन द्वारा हत्या करके उन्हें शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुखिया के बतौर मुख्यमंत्री को इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि वह मंदसौर में जाकर के उन दुखी किसानों के परिवार के आंसू पहुंच सकें, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी वहाँ पहुँच करके उन दुखी परिवारजनों के दुख को कम करने का प्रयास कर चुके। और आने वाले 14 तारीख को गुना के सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उस दुख को कम करने का अपना योगदान देने में के उद्देश्य से मंदसौर जा रहे हैं। आज उसी परिवारों के दुख को कम करने के उद्देश्य से और मृत परिवारों की आत्मा की शांति के ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी द्वारा मंदसौर न जाके सैकड़ों किलोमीटर दूर भोपाल में बैठ करके एक जो अनशन का नाटक किया,
हम सब ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे बैठ कर के उनसे यही अपनी दरख्वास्त लगाई कि बापू मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कम से कम इतनी सद्बुद्धि दे कि वे अपने पद से त्यागपत्र दे कर के किसी और व्यक्ति को मध्य प्रदेश की सेवा का अभी आने वाले कुछ माह तक अवसर प्रदान करें। हमें ये उम्मीद है कि बापू हमारी इस दरख्वास्त को प्रदेश के लाखों किसानों की उम्मीद के रूप में अवश्य सुनेंगे और स्वर्गलोक से हमारी इस मांग को अपना आशीष प्रदान करके शिवराज सिंह जी चौहान को इतनी सद्बुद्धि देंगे कि वह भोपाल में बैठ के नाटकबाजी बंद करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दें। हम सब ने इसीलिए रामधुन गाते हुए यही कामना की थी और हम सब यही उम्मीद करते हैं कि शायद अब तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कुछ सद्बुद्धि आएगी। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।